गाइस वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली आज फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और ब्लाउज हॉल, लेकिन ये समर के लिए। समर में कॉटन फैब्रिक या रियॉन फैब्रिक के ब्लाउज बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, और मैंने कुछ ऐसे ही ब्लाउजेस मीशो पे देखे थे जो कि बहुत सुंदर डिजाइन के साथ थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक हॉल क्रिएट करती हूँ। वैसे आप ये मत सोचना कि ऑलवेज ब्लाउज का हॉल ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत सारे डिफरेंट हॉल लाइनअप है अभी, शर्ट का, ड्रेसेस का, कुर्ता सेट, हील का, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन जो ये चैनल का मेन थीम है ना कि ब्लाउज एंड साड़ी के ऊपर जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है, वो बीच बीच में आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो मुझे पता है कि इस चैनल पे मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ऐसी है जिन्हें एथनिक वेयर बहुत पसंद है, आपके साथ साथ मुझे भी बहुत पसंद है, इवन मुझे ऐसे हॉल बनाने में बहुत मजा आता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मेरे इस चैनल का पर्पस है कि आपके लिए ऐसे हॉल लेके आना जो कि आपके बजट में हो, स्टाइलिश हो और फैशन ट्रेंड को भी फॉलो करते हुए हो। तो चलिए आज के इस ब्लाउज हॉल को स्टार्ट करते हैं। कुछ ब्लाउज इसमें से ऐसे हैं जो कि डिजाइनर लुक देने वाले हैं, जिन्हें आप वेडिंग या फंक्शन में भी पहन के जा सकते हैं, लेकिन कुछ ब्लाउज ऐसे हैं जिन्हें आप डेली रेगुलर गर्मियों में वियर कर सकते हैं। तीन चार मैंने इसलिए डिजाइनर ब्लाउज ऐड किए ताकि आप वीडियो में बोर ना हो और आपको कुछ एंटिक एंड अलग पीस भी देखने को मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी आपको पसंद आए मुझे कॉमेंट करके बताना कि सबसे अच्छा ब्लाउज आपको कौन सा लगा, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। इस पैकेट से इसमें एक साथ दो ब्लाउज आए हैं, दोनों ही कॉटन है और रेगुलर मींस डेली वियर है। तो देखते हैं कि सेम डिजाइन आया है नहीं और इनकी फिटिंग कैसी है। मुझे इसमें एक पैडेड लग रहा है और एक जो है वो शायद विदाउट पैड है। हाँ, ये वाला है जो विदाउट पैड है और ये वाला पैडेड है। फर्स्ट इससे ही स्टार्ट करते हैं। और ये थोड़ा चोली कट में है, जैसे पहले चोली वाले ब्लाउज आते थे ना, वैसा ही इसका कुछ कट है, वी नेक में है। ऊपर से ये लेस को भी इन्होंने स्टिच कर रखा है जो कि व्हाइट कलर में है, एंड यहाँ पे पैड अटैच कर रखे हैं, प्रिंस कट डिजाइन क्रिएट कर रखा है चोली के साथ साथ। हाफ आपको स्लीव्स मिलेंगे, स्लीव्स पे भी आपको ये लेस अटैच मिल जाएगा व्हाइट कलर में। अंदर इन्होंने कॉटन लाइनिंग को भी अटैच कर रखा है जो कि रेड कलर में है, और इन्होंने इस तरीके से पूरे ब्लाउज पे ब्लैक पाइपिंग क्रिएट कर रखी है। सो ये है इसका फ्रंट का लुक एंड नेक। अब बात करते हैं बैक नेक की, और इसकी वजह से ही मैंने इसे बाय किया था क्योंकि बैक का जो नेक डिजाइन है वो बहुत ही डिफरेंट लग रहा था। इस तरीके से अगर आप इसे ढंग से पहनेंगे तभी ये पूरा डिजाइन जो है वो इनहेंस होगा। यहाँ पे इन्होंने डोरी भी अटैच कर रखी है, बट इसका कोई काम है नहीं, जस्ट आप इसे नॉट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको दो हुक मिल जाएंगे ताकि हम इसे आसानी से ओपन कर सके, और यहाँ पे भी इन्होंने थ्री हुक को अटैच कर रखा है। अगर बात करें स्टिचिंग की तो यहाँ से जो स्टिचिंग है वो बहुत अच्छी है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी कर रखी है इन्होंने, आप देख सकते हैं प्रॉपर स्टिच कर रखा है, एंड इन्होंने हुक को भी अच्छे से स्टिच कर रखा है, बट हुक होल्स को डिफाइन नहीं कर रखा है। इस तरीके से चार पांच धागे इधर उधर से टक कर रखे हैं, बस थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो क्या हो जाता, ब्लाउज की क्वालिटी तो और अच्छी हो जाती ना। बाकी पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग काफी अच्छी है। अब बात करते हैं इसके साइज की, तो एक ही साइज अवेलेबल है, 40 साइज है। अगर आपको 40 से नीचे आता है देन आपको अल्टर करवाना पड़ेगा, और 40 से ऊपर वाले साइज के लिए तो चांस ही नहीं है। इसका प्राइस है 458 रुपीज। ज्यादा लग रहा है, मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है, बट अकॉर्डिंग टू इसकी स्टिचिंग की अच्छे से स्टिच कर रखा है, पैड भी अटैच कर रखा है, लाइनिंग भी अटैच कर रखी है, ऊपर से इन्होंने लेस को भी स्टिच कर रखा है, वो भी कहीं ना कहीं 50 से 60 रुपीज का आया होगा या उससे ज्यादा का भी हो सकता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है लेस के बारे में, बट ओवरऑल जो प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे ना तो कहीं ना कहीं 450 रुपए इसका प्राइस एनफ है। ऊपर से कॉटन ब्लाउज है, इतने अच्छे से इन्होंने गले को डिफाइन कर रखा है, तो मेरे हिसाब से तो ठीक है 450 रुपए। बाकी पहन के देखते हैं, फिटिंग अच्छी हुई तो 450 रुपए भी वसूल हो जाएंगे। सी ये है इसका पूरा लुक, मुझे तो अच्छे से फिट आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 40 साइज है, उसके बाद ही मुझे फिट क्यों आ रहा है? मेरा साइज है 32, ज्यादा से ज्यादा 34 भी मुझे आ जाता है, लेकिन 40 साइज मुझे एकदम परफेक्टली आ रहा है। इसका मतलब कि साइज बिल्कुल गलत है। जो लोग इसे 40 समझ के बाय करेंगे उनको तो ये बिल्कुल आने वाला नहीं है। अगर आपका साइज 34 से नीचे है, 28, 30, 32 या 40, देन आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपको ये फिट आ जाएगा। 28 एंड 30 वाले इसे थोड़ा सा अल्टर करवा सकते हैं, बट इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि ये ना ऊपर को खींच रहा है, इन्होंने जो पैड अटैच कर रखी है वो थोड़ा ऊपर है,
जिसकी वजह से यहां से थोड़ा पिंच कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ब्लाउज हमें ऊपर की तरफ खींचे जा रहा है, तो वहां से थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है। वैसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अगर आप इसे थोड़ा सा सही करवा लेंगे तो आप इसे आराम से वेयर कर सकते हैं। बैक का डिजाइन भी काफी अच्छा लग रहा है, जैसा कि पिक में शो किया था, बस थोड़ा सा अगर आपको लूज लगे तो उसे भी आप अल्टर करवा सकते हैं। लिंक एंड कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्लाउज की तरफ। और नेक्स्ट है ये वाला कॉटन ब्लाउज जो कि इसके साथ में ही आया है। इसका फैब्रिक खादी है, खादी का जो कपड़ा होता है ना वो वाला है, और इसके ऊपर आपको इस तरीके से प्रिंट मिल जाएगा जो कि काफी अच्छा लग रहा है। अंदर इन्होंने लाइनिंग अटैच कर रखी है, बट ये पॉलिएस्टर लाइनिंग है, कॉटन नहीं है। हाफ स्लीव्स हैं, स्लीव्स के किनारे आपको इस तरीके से पाइपिंग मिल जाएगी जो कि येलो कलर में है। वही सेम इन्होंने नेक पे भी डिजाइन कर रखा है। इसका जो हुक डिटेलिंग था वो बैक में था, लेकिन इसका वाला जो हुक डिटेलिंग है वो आपको फ्रंट में ही मिल जाएगा। ब्लाउज का कट प्रिंस है, लेकिन इन्होंने कोई पैड अटैच नहीं कर रखा है। बैक का नेक ज्यादा डीप नहीं है, थोड़ा सा बोट स्टाइल में है, एंड इन्होंने स्टिचिंग बहुत अच्छी कर रखी है। आप खुद क्लियर देख सकते हो कि आपको कहीं से भी एक थ्रेड नजर नहीं आ रहा होगा, एकदम बारीकी से इन्होंने काम किया हुआ है स्टिचिंग पे। बस मुझे यही एक प्रॉब्लम लग रही है कि अगर इन्होंने कॉटन खादी का यूज किया था तो अंदर इन्होंने लाइनिंग ये पॉलिएस्टर वाली क्यों लगाई है, ये थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है। वैसे लुक वगैरह मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की एंड इसके साइज की। सो इसका प्राइस है 283 रुपीज, काफी जेन्युइन प्राइस है इसके लिए। एंड इसमें साइज आपको 40 ही मिलेगा, एक साइज अवेलेबल है सिर्फ। एंड अगेन आई विल से कि 40 साइज नहीं है, अगर मुझे फिट आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा ये 34 साइज का है। स्लीव्स देखिए कितनी फिट है ना, बस थोड़ी थोड़ी लूज यहां से है, बल्कि ये वाली तो बिल्कुल टाइट है, लेकिन यहां से ये थोड़ा सा लूज है, तो हम कह सकते हैं कि ज्यादा 34 होगा, उससे ज्यादा नहीं है। तो 34 से नीचे वाले ही इसे परचेज कर सकते हैं, 36 या 38 या 40 वालों को तो बिल्कुल आने वाला नहीं। मीन्स ये एक्सेल या डबल एक्सेल वालों के लिए नहीं है, सिर्फ लार्ज से नीचे वाले ही इसे वियर कर सकते हैं। एम वाले स्मॉल वाले इसे थोड़ा थोड़ा अल्टर करके देन आप इसे कॉटन साड़ी के साथ अगर स्टाइल करोगे तो बहुत सुंदर लुक मिलता है। बिकॉज ऐसे जो ब्लाउज होते हैं ना वो कॉटन साड़ी के साथ बहुत अच्छे से आते हैं, और गर्मियों में तो वैसे भी कॉटन साड़ी आप आराम से वियर कर सकते हो ऑफिस कॉलेज के लिए, या फिर अगर आप स्कूल में टीचर हैं देन आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अब बाकी ये कॉटन ब्लाउज मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, थोड़ा सा अभी मैं ब्राइट की तरफ ले जाती हूँ। तो ये मैंने एक पैरट ग्रीन में ब्लाउज बाय किया है, जिसपे काफी अच्छा वर्क किया हुआ है, रेशम से एंड बीड्स का भी यूज कर रखा है। तो देखते हैं कैसा आया, मुझे तो बहुत पसंद आया था, फर्स्ट नजर में ही मैंने इसे कार्ट में ऐड कर लिया था। तो ये है वो खूबसूरत सा ब्लाउज जिसमें इन्होंने रेशम से काम कर रखा है, बीड्स का भी यूज कर रखा है, गोल्डन बीड्स को, और सबसे ज्यादा जो काम देखने को मिलेगा वो है स्लीव्स पे, भर भर के इन्होंने बीड्स का यूज कर रखा है, गोल्डन थ्रेड का यूज कर रखा है, कुछ इस तरीके से माथा पट्टी या राखी की तरह डिजाइन क्रिएट कर रखा है, और स्लीव्स की बॉर्डर पे इन्होंने ये टू लेयर में बीड्स को अटैच कर रखा है सेम। और ये है इसका फ्रंट का नेक डिजाइन, नहीं ये बैक का नेक डिजाइन है जो कि थोड़ा सा डीप है, और नेक के चारों तरफ आपको इस तरीके से भर भर के काम मिल जाएगा, भर भर के थ्रेड का यूज कर रखा, एम्ब्रॉयडरी वर्क है जो कि काफी अच्छे से कर रखा है, थ्रेड वगैरह कहीं से नहीं निकल रहा है, और बीच बीच में आपको इस तरीके से कलर्स या फ्लावर डिजाइन भी मिल जाएगा पूरे फैब्रिक पे। ये है इसका फ्रंट का लुक, पैड भी अटैच कर रखा है इन्होंने, और बैक में डोरियन टेसल को भी अटैच कर रखा है। आप इसके नेक पे गौर करिए, कटिंग कितनी परफेक्टली कर रखी है, बैक का नेक भी बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है, एंड इसकी हुक डिटेलिंग फ्रंट में ही है। इसका प्राइस है 445 रुपीज, 450 में आपको ये ब्लाउज मिल जाएगा, और इसमें आपको टोटल 9 कलर मिल जाएंगे, डिफरेंट कलर में भी अवेलेबल है, तो जो भी आपके साड़ी का या लहंगे का कलर है उसके साथ अगर आपको पेयर करना है देन आप अदर कलर भी चूज कर सकते हो। इसमें एक ही साइज अवेलेबल है 38, तो 38 से जो भी नीचे के साइज होंगे वो बाय करके इसे स्टिच करवा सकते हैं। आप पहन के देखते हैं, पता नहीं 38 आया है या नहीं आया, बिकॉज दोनों ब्लाउज तो सेम साइज के नहीं थे। सो इसका साइज तो काफी सही आया है, बिकॉज ये मुझे स्लीव से भी काफी लूज है, एंड आप देख सकते हैं यहां से भी काफी लूज है, 38 ही आया है, और इसे आप अल्टर करके अपने अकॉर्डिंग फिट कर सकते हो। सो मेरे अकॉर्डिंग तो जो इसमें वर्क किया गया है एंड स्टिच आपको ब्लाउज मिल रहा है, पैड भी अटैच है, उसके अकॉर्डिंग 450 रुपए ज्यादा प्राइस नहीं है। देख सकते हैं कि कितना सुंदर एंड कितना भर भर के काम किया गया है। बैक से भी आप इसका लुक देख सकते हो, डोरियन टेसल को भी अटैच कर रखा है, एंड फिटिंग की वजह से अभी थोड़ा सा ये क्लम्सी हो रहा है, इधर उधर से लूज हो रहा है, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से फिट कर लोगे देन आपको एक परफेक्ट लुक मिल सकता है। आप इसे लहंगा एंड किसी भी एम्ब्रॉयडरी साड़ी के साथ पेयर कर सकते हो। तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। और अब मैं आपको थोड़ा सा स्टाइल की तरफ ले जाने वाली हूँ। ये वाला ब्लाउज मैंने बाय किया था जो कि थोड़ा टॉप की तरह दिखाई देता है,
अगर ये सही आया तो आप इसे एज अ टॉप भी स्टाइल कर सकती हो, स्कर्ट या फिर जीन्स या ट्राउजर के साथ, और आप इसे ब्लाउज की तरफ ही वियर कर सकती हो। सो ये है वो ब्लाउज, बट इसके अंदर आपको एक ब्रा पहननी पड़ेगी क्योंकि ये काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट मुझे लग रहा है। वैसे बहुत ही सुंदर है एंड इसके ऊपर छोटे छोटे आपको सिक्विन भी अटैच मिल जाएंगे। नीचे इन्होंने इलास्टिक दे रखा है ताकि आप इसे कंफर्टेबली वियर कर सकें क्योंकि कोई हुक डिटेलिंग नहीं है। और बात करें अगर इसके फैब्रिक की तो चंदेरी कॉटन का यूज कर रखा है, हाफ स्लीव्स हैं, हाफ या कह सकते हो मिनी स्लीव्स इन्होंने क्रिएट कर रखी हैं। और बैक से इसका हाई नेक है, फ्रंट से भी हाई नेक ही है, थोड़ा बोट स्टाइल में है। और यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा कट भी दे रखा है बट कोई हुक वगैरह अटैच नहीं कर रखा है। तो अब हम इसे स्टाइल करके देखते हैं। वैसे तो इसके नीचे मुझे ब्लैक ब्रा ही वियर करनी पड़ेगी क्योंकि अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है। शायद मैं इसके नीचे स्पोर्ट्स ब्रा वियर कर सकती हूँ, तो मैं पहन के आती हूँ, उसके बाद आपको इसकी फिटिंग का पता चल जाएगा क्योंकि मुझे एम साइज आता है बट यहाँ पे स्मॉल आया। देखिए स्मॉल मुझे आएगा या नहीं आएगा और पहनने के बाद इसका लुक कैसा लगता है। वैसे तो मुझे टॉप ही लग रहा है, ब्लाउज कम ही लगेगा पहनने के बाद। देखो फिटिंग तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपको ये ब्लाउज लग रहा है? मुझे तो टॉप ज्यादा लग रहा है एंड आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है। तो इसके नीचे आपको इस तरीके से जो ब्रा आती है वो वियर करना पड़ेगा, तभी इसे आप अच्छे से वियर कर पाएंगे। देन आप इसके ऊपर साड़ी ड्रेप कर सकते हैं। तो देखो मुझे तो स्टाइलिश लग रहा है, थोड़ा सा यूनिक भी है। अब तक के ब्लाउज में बहुत ही डिफरेंट ब्लाउज आया है। बेशक इसके फ्रंट या बैक में कोई बटन या हुक डिटेलिंग नहीं है, आपको इसे टॉप की तरह ही वियर करना है। बट अगर आप थोड़ा स्टाइलिश एंड यूनिक लुक क्रिएट करना चाहते हो देन आप डेफिनेटली इसे परचेज कर सकते हो। और बेस्ट थिंग की व्हाइट कलर में है तो इसके साथ किसी भी कलर की साड़ी को पेयर कर सकते हो। और कोशिश करना कि प्रिंटेड या प्लेन साड़ी ही वियर करो, तभी आपको बिल्कुल एलिगेंट एंड स्टाइलिश लुक मिलने वाला है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। ये है इसका फ्रंट लुक और बैक से बिल्कुल हाई एंड इस तरीके से आपको टॉप वाला लुक मिलने वाला है। वैसे ऐसा होता है मोस्टली कि हम टॉप को भी एज अ ब्लाउज स्टाइल कर लेते हैं, तो ब्लाउज को एज अ टॉप क्यों नहीं वियर कर सकते। तो अगर आपको भी अच्छा लगे तो ही बाय करना, अदरवाइज पैसे वेस्ट मत करना। और नेक्स्ट एक और स्टाइलिश ब्लाउज है जो कि मैंने थोड़ा अलग कलर में बाय किया था, वो वाइन कलर था शायद, बट इन्होंने मुझे ये पिंक कलर भेजा हुआ है। अब देखते हैं डिजाइन भी सेम आया है या नहीं आया। वैसे कलर बहुत ही ब्राइट लग रहा है मुझे और आई कैचिंग भी है। सो ये है वो ब्लाउज जिसका फैब्रिक है चंदेरी सिल्क, कफ स्लीव्स हैं और इस तरीके से स्लीव्स के एंड में इन्होंने कफ अटैच कर रखा है। कोई हुक डिटेलिंग नहीं है, जस्ट ऐसे ही हमें वियर करना है। ये है इसका फ्रंट नेक जो कि वी शेप में है, स्प्लिट डिजाइन है इस तरीके से और कोई हुक डिटेलिंग नहीं है। ये भी एक टॉप की तरह है एंड बेस्ट रिकमेंडेशन की इसे साड़ी से ज्यादा अगर आप स्कर्ट या लहंगे के साथ स्टाइल करेंगे तो ज्यादा लुक मिलेगा। आप नॉर्मली स्कर्ट पहने और उसके साथ इसे स्टाइल करें हैवी ज्वेलरी के साथ, देन डेफिनेटली स्टाइलिश वेडिंग लुक क्रिएट हो सकता है। इसमें और कलर भी अवेलेबल हैं बट मेरा ही कलर रॉन्ग आया है तो मैं आपको क्या ही बोलूं। मैंने इसमें एम साइज बाय किया है जो कि परफेक्टली सेम आया है। बैक का जो नेक है वो हाई है एंड इन्होंने इस तरीके से बॉटम लाइन पे एक स्ट्रैप या बॉर्डर को अटैच कर रखा है फैब्रिक की तरह ताकि एक फिट वाला लुक क्रिएट हो। पहले मैं इसे पहन के देखती हूँ, उसके बाद मैं इसकी बाकी की डिटेलिंग एंड प्राइस के बारे में बात करूंगी। मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा है बट ये ब्लाउज मेरे टाइप का बिल्कुल नहीं है। आई नो कि साइज थोड़ा सा छोटा है, अगर साइज परफेक्ट होता तो ये चीज ऐसे कवर हो जाती। एम साइज जो दिखाया है वो स्मॉल वालों के लिए और जो लार्ज है वो एम वालों के लिए होगा, बिकॉज अगर साइज सही होता तो ये इतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं करता और इतना ओपन क्लीवेज नजर नहीं आता। बट एक चीज और है कि मुझे इसकी स्लीव्स बहुत ही बकवास लग रही हैं, ओवर पफ दिया हुआ है। इस वाले स्लीव्स में तो कुछ ज्यादा ही है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ हवा भर रखी है, तो इसलिए मुझे इतना खास नहीं लगा। हाँ अगर आपको परचेज करना है, आप इसे स्कर्ट के साथ स्टाइल करना चाहते हो और आप नहीं चाहते कि आपको ये वाला ऑकवर्ड मूवमेंट फील करना पड़े, देन आप इसका एक साइज बढ़ा लेना। अगर आपको स्मॉल आता है देन आपको बाय करना है, अगर आपको एम आता है तो आपको लार्ज बाय करना है एंड उसके बाद ही आप इसे अच्छे से स्टाइल कर सकते हो। वैसे तो ऐसा होगा कि साड़ी हम ड्रेप करेंगे तो अपने आप ही कवर हो जाएगा, बट कितना कवर होगा मुझे समझ नहीं आ रहा और अनकंफर्टेबल भी है साइज की वजह से। हाँ इन्होंने साइड में जिप भी दे रखा है ताकि आप आराम से इसे वियर कर सको। पहनते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि हुक नहीं है, बटन नहीं है, मैं वियर कैसे करूंगी, बट जब मैंने साइड में देखा तो मुझे ये चैन मिली। इसका प्राइस है 262 रुपीज। कलर तो वैसे इन्होंने मुझे डिफरेंट भेजा है बट इसमें 6 कलर ऑप्शन अवेलेबल है एंड मैंने जो साइज चूज किया था वो था 34। उसके बाद भी मुझे साइज कंफर्टेबली नहीं आ रहा है,
तो अगर आपको 32 आता है तो आपको 36 चूज करना पड़ेगा, 34 आता है तो आपको 38 लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मी। मुझे 32 आता है, फिर भी मैंने 34 चूज किया था क्योंकि इनके साइज थोड़ा सा छोटे होते हैं, बट उसके बाद भी मुझे ये नहीं आ रहा है सही से, तो मैं क्या ही बोलूं साइज के बारे में। वैसे इसमें आपको 32 से लेके 40 साइज तक अवेलेबल मिल जाएंगे, तो देख लेना आपको बाय करना है नहीं। वैसे तो मुझे इतना खास नहीं लगा, लेकिन 250 में हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बस क्लीविस की वजह से थोड़ा सा अपवर्ड लग रहा है, वैसे तो ठीक ठाक ही है। नाउ नेक्स्ट, पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ दो ही कॉटन ब्लाउज जो कि मैंने एक रेड में बाय किया है, एक ब्लू में बाय किया है, और दोनों पे ही बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी वर्क है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ब्लू वाले से, नहीं रेड वाले से, उसके बाद हम ब्लू वाला ओपन करेंगे। और काफी अच्छे प्राइस में मैंने दोनों बाय किए हैं। वाओ, इसका कलर है ब्लड रेड, और इस पे आपको इस तरीके से इसका बैक नेक है जो कि बॉट स्टाइल में है, और पूरे नेक के किनारे किनारे आपको व्हाइट थ्रेड के साथ एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगा। क्लियरली आप देख सकते हैं कितना सुंदर वर्क लग रहा है। और ये है इसका फ्रंट नेक, फ्रंट में कोई वर्क डिटेल नहीं है, प्रिंस कट में है, जिससे यहाँ पे इन्होंने व्हाइट पाइपिंग का यूज कर रखा है। बॉटम में भी सेम पाइपिंग का ही यूज कर रखा है। हुक डिटेलिंग आपको फ्रंट में मिल जाएगी, कॉटन फैब्रिक है बट अंदर कोई लाइनिंग अटैच नहीं कर रखी है, ना ही कोई पैड अटैच कर रखा है। लाइनिंग नहीं है तो पैड भी नहीं होंगे। एंड ये है इसकी स्लीव जो कि हाफ स्लीव्स हैं, और इस तरीके से बॉर्डर में आपको सेम एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगा। मुझे इसका काम जो किया गया है ना वो बहुत ही सुंदर लग रहा है, इतने अच्छे से डिफाइन कर रखा है। और ये है इसका फ्रंट नेक जो कि राउंड में है, बैक का नेक आपको बोट स्टाइल में मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसे मैंने बाय किया है 238 रुपए में, एंड मैंने इसका 34 साइज चूज किया था। इसमें टोटल साइज जो अवेलेबल है वो है 32 से लेके 42 साइज तक अवेलेबल है। तो पहले मैं पहन के देखती हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि जो साइज दे रखे हैं इन्होंने वो सही आए हैं या नहीं आए, उसके बाद ही मैं आपको रिकमेंड करूंगी। ये तो पूरा झोला लग रहा है, देखो कितना लूज है, स्लीव्स भी इतनी लूज है, यहां से भी इतना लूज है। तो जब मैं वियर करी थी ना, मैंने नोटिस किया कि मैंने तो ऑर्डर किया था 34 जो कि मुझे वैसे भी लूज आता, लेकिन इन्होंने मुझे भेजा हुआ है 36, तो इसीलिए मुझे इतना ज्यादा लूज आ रहा है। वैसे जो इनका साइज चार्ट है वो बिल्कुल ओके है, लेकिन अगर ये आपको सही साइज भेजते हैं तो, अगर आप 32 ऑर्डर करें 32 आता है तो आपको बिल्कुल फिट आ जाएगा। वैसे अगर आप 34 ऑर्डर करते हैं 34 आता है तो वो आपको फिट आएगा, लेकिन अगर ये खुद ही गलत साइज भेज रहे हैं, हम 34 ऑर्डर कर रहे हैं 36 भेज रहे हैं, तो वो कहां से ही हमें आएगा। तो खैर ऑप्शन यही बचता है कि हम इसे अल्टर करवा लें, तभी इसकी फिटिंग अच्छी होगी। तो ये है इसके बैक का नेक का डिजाइन, आप देख सकते हैं अगर ये फिट होता ना तो बहुत सुंदर लुक क्रिएट होता। और ये है इसके फ्रंट का डिजाइन, अगर आपको पसंद आया देन डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि 250 रुपए में इतना सुंदर रेडी टू वेयर एंड एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज मिल रहा है कॉटन फैब्रिक में, और क्या ही चाहिए। ये बस प्रे करना कि आपको साइज जो मिले वो बिल्कुल सही हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है ये पैकेट जो कि ब्लू ब्लाउज है, और ये भी सेम कुछ ऐसा ही डिजाइन है, कॉटन फैब्रिक है इसका भी, और येलो कलर में एम्ब्रॉयडरी वर्क है। इसमें भी कोई पैड अटैच नहीं है, सिंपल कॉटन ब्लाउज है, बट क्या ही स्टिचिंग है, इतने अच्छे से स्टिच कर रखा है ना। और ये है इसका पूरे बैक का डिजाइन जिसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क है येलो थ्रेड के साथ, जो कि काफी आई कैचिंग है। बीच में ग्रीन एंड पिंक थ्रेड का भी यूज कर रखा है। ओवरऑल जो भी डिजाइन इन्होंने क्रिएट कर रखा है, फ्लावर बंच या बेल जो भी है, वो काफी सुंदर लग रहा है। बैक का नेक थोड़ा सा हाई है, ओवल में ही है, और इन्होंने किनारे पे पाइपिंग का यूज कर रखा है। ये है इसके फ्रंट का लुक जो कि पूरा प्लेन है, प्रिंस कट में ही, इसलिए आपको ये पाइपिंग दिखाई दे रही होंगी। और फ्रंट में ही इसकी हुक डिटेलिंग है, करीब इन्होंने 6 हुक का यूज कर रखा है। हेमलाइन पे भी आपको पाइपिंग मिलेगी। तो चलिए पहन के देखते हैं, उसके बाद मैं इसके साइज का एंड इसके प्राइस के बारे में आपको बताती हूँ। गाइस, ये मुझे आया ही नहीं, 32 साइज भेज रखा है इन्होंने, मैंने एग्जैक्टली यही चूज किया था, और ये स्लीव्स में इस तरीके से स्टक हो गया कि वो ऊपर चढ़ ही नहीं रहता। अगर मैं ज्यादा कोशिश करती ना तो फिर फट जाता, या तो मैं पूरी उसमें स्टक हो जाती, फिर उतारने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी, इसलिए मैंने आगे इसे वियर ही नहीं किया। तो यार ये ब्लाउज तो मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने सोचा था कि मैं इसे कॉटन साड़ी के साथ जरूर स्टाइल करूंगी, बट फिर से वही साइज का पंगा, और मैं बहुत सैड फील करूंगी, बिकॉज जो चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद आया ना वही खराब निकला। इसकी स्टिचिंग इतनी अच्छी कर रखी इन्होंने, लूप वगैरह जो है हुक के बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखे हैं, बट साइज का इशू है, 32 साइज है, उसके बाद इतना ज्यादा टाइट आ रहा है। तो अगर आपको बाय करना है तो कर सकते हो, वैसे क्वालिटी बहुत अच्छी आई है। इसका प्राइस है 279 रुपीज, इसमें आपको दो वेरिएंट मिल जाएंगे,
कलर सेम है लेकिन जो बैक का ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है ना वो डिफरेंट मिलेगा। एंड इसमें आपको साइज भी बहुत सारे अवेलेबल मिल जाएंगे, 32 से लेके 42 साइज तक अवेलेबल है, लेकिन वही आपको एक या दो साइज एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। और जिस हिसाब से ये टाइट आ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि दो साइज एक्स्ट्रा लेने में ही बेनिफिट है। अगर थोड़ा सा लूज होता है देन हम उसे अल्टर करके अपनी फिटिंग का बना लेंगे, बट फिर वही अगर 32 से 34 लेते हैं फिर टाइट हुआ फिर हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिकमेंड करूंगी कि आप बाय कर सकते हो, क्वालिटी बहुत पसंद आएगी, लेकिन दो साइज एक्स्ट्रा लें तभी आप इसे कंफर्टेबली वियर कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। और अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज, क्योंकि मैंने नवरात्रि के लिए बाय किया था और आज अष्टमी है और देखते हैं कि मैं इसे शाम को स्टाइल कर पाती हूँ या नहीं, अगर साइज सही आया नहीं आया, क्योंकि एक भी ब्लाउज का साइज सही नहीं आया अब तक। सो ये है बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज जिसपे सिक्वेंस का भी यूज कर रखा है, रेशम थ्रेड्स का भी यूज कर रखा है और कलर बहुत सारे हैं, तो आप इसे दूसरे किसी भी कलर की साड़ी या स्कर्ट के साथ पेयर कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप इसे येलो साड़ी के साथ ही स्टाइल करो, आप इनमें से भी किसी कलर की साड़ी के ऊपर ड्रेप कर सकते हो। ये है इसका स्वीट हर्ट नेक जो कि काफी सुंदर स्टाइल किया गया है, काफी अच्छे से डिफाइन किया गया है। पैड्स का भी यूज कर रखा है इन्होंने और थोड़ा सा चोली कट दे रखा है ब्लाउज को। हुक की टेलिंग आपको बैक में मिल जाएगी, डोरी का फैब्रिक प्लेन है लेकिन टेसल में यही एम्ब्रॉयडरी वर्क को अटैच कर रखा है, इसी की टेसल्स को क्रिएट कर रखा है, इसलिए बहुत ही सुंदर आई कैचिंग लुक मिल रहा है क्योंकि एक बंच सा क्रिएट हो रहा है। ब्लाउज का जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट है, अंदर इन्होंने कॉटन वाली लाइनिंग को अटैच कर रखा है जिससे काफी ज्यादा कंफर्टेबल होने वाला है। स्टिचिंग बिल्कुल परफेक्ट है, काफी अच्छे से स्टिच कर रखा है फिनिशिंग के साथ। हाफ स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे भी आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क ही मिलेगा। बैक का नेक थोड़ा सा डीप है, पैड है तो आपको ब्रा पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ब्राइडल ब्लाउज है वैसे तो, बट आप इसे वेडिंग फंक्शन फेस्टिवल के लिए भी आराम से यूज कर सकते हैं किसी भी एम्ब्रॉयडरी साड़ी के साथ या लहंगे के साथ में। इसमें आपको 7 अदर कलर मिल जाएंगे, तो अगर आप इसे अपने लहंगे के लिए चूज कर रहे हैं करवा चौथ वगैरह के लिए देन आप पिंक या रेड का भी चूज कर सकते हैं। और इसमें आपको दो साइज मिलेंगे, 36 एंड 38। मैंने 36 बाय किया है तो डेफिनेटली कि थोड़ा सा लूज होगा, लेकिन कितना लूज होगा वो पहनने के बाद ही पता चलेगा। सो फिटिंग वाइज नॉट बैड, 36 बाय किया है तो उसके अकॉर्डिंग काफी ज्यादा लूज है। एंड इसका प्राइस है 498 रुपीज, 500 के लगभग ये ब्लाउज है। लेकिन अगर बात करें इसकी क्वालिटी, फैब्रिक एंड डिजाइन की, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि 500 में तो आपको ऐसा ब्लाउज स्टिच करवाने के लिए स्टिचिंग ही पे करना पड़ेगा। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा कि जब भी मैंने ऐसे कोई डिजाइन के ब्लाउज स्टिच करवाए हैं ना, तो मैंने 600-700 रुपए आराम से पे किए हैं। ऊपर से समटाइम ऐसा होता है कि लाइनिंग भी बाय करके खुद से देनी पड़ती है। तो नेक डिजाइन परफेक्ट है, यहाँ से जो स्टिचिंग है वो भी परफेक्ट है। एंड ये है इसका बैक नेक जिसमें आपको इस तरीके से डोरी एंड टैसल भी अच्छे से अटैच करके दे रखे हैं, तो अकॉर्डिंग टू प्राइस मुझे वर्थ इट लग रहा है। आप कमेंट करके बताओ कि क्या ये प्राइस के हिसाब से सही है या नहीं, एंड लिंक तो आपको डेफिनेटली कमेंट में सॉरी डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। एंड नाउ नेक्स्ट, शायद ये कोई कॉटन ब्लाउज है क्योंकि पैकिंग के हिसाब से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। यस, ये एक ब्लैक कॉटन ब्लाउज है जो कि बोट नेक में आया है, बट इसका जो नेक का बॉर्डर था ना वो मुझे थोड़ा आई कैचिंग लगा डिजाइन वाइज, तो इसलिए मैंने इसे परचेज कर लिया। बट ये इसका बैक नेक है, डोंट थिंक ये फ्रंट वाला लुक है। इस तरीके से बोट नेक में ब्लाउज मिलेगा एंड 32 स्मॉल साइज आया है, पता नहीं मैंने कौन सा साइज ऑर्डर किया था। बैक का नेक का जो डिजाइन है वो काफी अच्छा लग रहा है, वैसे कोई डिटेलिंग नहीं है, फैब्रिक को ही स्टिच कर रखा है डबल लेयर में जिसकी वजह से थोड़ा आई कैचिंग लुक क्रिएट हो रहा है। सेम इन्होंने फैब्रिक को स्टिच किया हुआ है स्लीव्स में, किनारे पे आपको इस तरीके से रेड पाइपिंग मिल जाएगी जो कि नेक के बॉर्डर में भी है, फ्रंट में भी इन्होंने सेम और हेमलाइन पे भी सेम पाइपिंग को क्रिएट कर रखा है। ब्लाउज का जो लुक है वो प्रिंस कट में है, कोई पैड अटैच नहीं है, हुक डिटेलिंग फ्रंट में ही है। फ्रंट का नेक इस तरीके से ओवल या राउंड में मिल जाएगा हाई नेक में। एंड अब देखते हैं वियर करके बाकी का जो डिजाइन है वो दूसरे कॉटन ब्लाउज की तरह ही है लुक वगैरह, बस थोड़ा फैब्रिक एंड कलर का जो डिजाइन है वो डिफरेंट दे रखा है इन्होंने इस तरीके से। मैंने इसमें 32 अल्टरेबल साइज चूज किया था लेकिन 32 स्मॉल साइज आया है, तो ऐसा मुझे डाउट लग रहा है कि ये मुझे टाइट होगा। अगर 34 चूज करती, क्यों नहीं किया, मैंने सारे ब्लाउज के साइज मैंने गड़बड़ कर रखे हैं। तो 323 रुपीज इसका प्राइस है, प्राइस के अकॉर्डिंग आपको ब्लाउज का जो लुक एंड स्टाइल डिजाइन मिल रहा है वो काफी अच्छा मिल रहा है, स्टिचिंग भी काफी अच्छी है, फिनिशिंग आप देख सकते हो कितनी परफेक्टली है। तो पहन के देखते हैं कि 32 साइज सही आया है नहीं, उसके बाद बाकी का डिसीजन। यस, मिल गया फाइनली, कोई तो एक ऐसा ब्लाउज हुआ जो कि मुझे फिट आया है।
32 स्मॉल साइज बाय किया है जिसके लिए थोड़ा सा इधर से ना टाइट हो रहा है, आप देख सकते हैं कि स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन इन्होंने ना मार्जिन बहुत अच्छा दे रखा है, दोनों तरफ आपको 2-2 इंच का मार्जिन मिल रहा है, तो आप आराम से उसे खोल के अपने अकॉर्डिंग फिट कर सकते हो। सो मीन्स 32 वाले के लिए बिल्कुल 32 ओके है, 34 वाले 34 बाय करेंगे, जिसका जो साइज है आप वो चूज कर सकते हो। इसमें लगभग 6 या 7 साइज अवेलेबल है, यस इसमें आपको 32 से लेके 40 साइज तक मिल जाएंगे, तो अपना ही साइज चूज करना। और अगर थोड़ा सा इस तरीके से टाइट आता है, वैसे नहीं लग रहा मुझे टाइट, लेकिन अगर आपको थोड़ा पिंच करे देन आप उसे खोल के और अपने अकॉर्डिंग अल्टर कर सकते हो। और हाँ, मैं इसका बैक डिजाइन तो आपको दिखाना ही भूल गई जिसके लिए मैंने इसे परचेज किया था। तो ये है इसका बहुत ही प्रीटी आई कैचिंग बैक का डिजाइन, और बेस्ट थिंग ये कि ब्लैक ब्लाउज है तो किसी भी साड़ी के साथ मैच हो सकता है। वैसे आप इन कलर की साड़ी ब्लैक व्हाइट या रेड ब्लू साड़ी भी इसके साथ पेयर कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग तो ये किसी भी साड़ी पे चल जाएगा। कोई भी साड़ी आप इसके साथ स्टाइल करके अपने ऑफिस या वर्क पे जा सकते हैं। तो फाइनली एक ब्लाउज मुझे ऐसा मिला जो कि परफेक्टली मुझे फिट आ रहा है साइज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ये ब्लाउज है जिसमें शायद पैड है, अब कौन सा है, वाओ, ये एक व्हाइट कलर का एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज है जिसका सिल्क फैब्रिक है, और इसपे इतना ज्यादा वर्क किया हुआ है ना, ये एक ब्राइडल ब्लाउज है। सी, ये है इसका फ्रंट लुक, हुक डिटेलिंग आपको फ्रंट में ही मिल जाएगी, पैड अटैच है, फ्रंट का नेक राउंड में ही है, और नेक के चारों तरफ किनारे किनारे इन्होंने इस तरीके से गोल्डन रेशम थ्रेड का यूज कर रखा है एम्ब्रॉयडरी वर्क के लिए, और सेम छोटी छोटी इस तरीके से फ्लावर पूरे ही ब्लाउज में फ्रंट में क्रिएट कर रखे हैं। हुक इन्होंने फ्रंट में ही दे रखा है, करीब 7 से 8 हुक अटैच कर रखे हैं। अब बात करते हैं इसके स्लीव्स की, तो स्लीव्स पे इन्होंने इस तरीके से बहुत ही हैवी वर्क कर रखा है, जैसे वेडिंग में गेट को डेकोरेट करते ना वैसा ही इन्होंने पर्ल के थ्रू बीड्स के थ्रू डिजाइन क्रिएट कर रखा है, ब्राउन एंड गोल्डन बीड्स का यूज कर रखा है, स्टोन भी अटैच कर रखा है, गोल्डन थ्रेड को भी यूज कर रखा है। और इसके स्लीव्स का बॉर्डर देखिए, पूरे बॉर्डर पे आपको इस तरीके से बीड से फ्लावर डिजाइन मिल जाएगा, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है इसका स्लीव्स, बट साइज बहुत ही ओवर आया है। और अब बात करते हैं इसके बैक डिजाइन की, तो इस तरीके से आपको इसका बैक डिजाइन मिल जाएगा, यहाँ पे इन्होंने नेट फैब्रिक का यूज कर रखा है, बैक का नेक थोड़ा सा हाई और पूरे नेक पे आपको किनारे किनारे पे इन्होंने ब्राउन एंड गोल्डन बीड्स का यूज कर रखा है, और यहाँ पे इन्होंने पूरी बारात को डेकोर कर रखा है, साथ में डोली के साथ दुल्हन भी है और कहार है जो डोली को ले जाते हुए। तो बैक से स्लीव्स का डिजाइन भी दिखेगा और फ्रंट से भी दिखेगा, बैक में हम जैसे जूड़ा वगैरह बनाते हैं तो पूरा ओपन रहता है, तो काफी सुंदर लगेगा। वैसे तो आप इसे लहंगे के साथ भी पेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे किसी एम्ब्रॉयडरी साड़ी के साथ में स्टाइल करेंगे तो और भी अच्छा लुक मिलेगा। अब देखते हैं कि इसमें कलर कितने अवेलेबल हैं, क्योंकि अगर आप इसे लहंगे के साथ चूज करते हैं तो हमारे इंडिया में वेडिंग में वैसे भी व्हाइट कलर नहीं वियर किया जाता है, बट हाँ अगर आप इसे मैरून कलर की साड़ी या पिंक कलर की साड़ी, रेड साड़ी, ब्लू साड़ी के साथ पेयर करते हैं देन आप डेफिनेटली वियर कर सकते हैं। और नो टेंशन, इसमें आपको करीब 8 अलग कलर मिल जाएंगे, तो जिस भी कलर की आपकी साड़ी है या तो आप सेम कलर चूज कर लिए, अगर आपको कॉन्ट्रास्ट करना है अदर कलर का, दो कलर कॉम्बिनेशन करना है, तो आप डिफरेंट कलर भी इसमें चूज कर सकते हो। एंड इसका प्राइस है 619 रुपीज, आई नो कि थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर आप इस तरीके का ब्लाउज स्टिच करवाते हैं ना तो सेम प्राइस 600 रुपए तो आपको सिर्फ स्टिचिंग के पे करने पड़ेंगे, मे बी इससे ज्यादा भी ले सकता है इस तरीके का अगर ब्लाउज वो क्रिएट करता है या स्टिच करता है तो मेरे अकॉर्डिंग प्राइस बिल्कुल वर्थ इट है। शायद ये ब्लाउज ज्यादा अच्छा है प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो भर भर के काम कर रखा है ना स्लीव्स एंड ब्लाउज पे, और इसे आप फेस्टिवल या वेडिंग के लिए स्टाइल करेंगे तो एकदम डिजाइनर ब्लाउज वाला लुक मिलेगा, तो उसके हिसाब से तो प्राइस कुछ भी नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। इसमें आपको 2 साइज मिलेंगे, 38 अल्टरेबल भी है, 40 और 40 अल्टरेबल भी है। मैंने चूज किया है 38 क्योंकि मिनिमम जो साइज था स्मॉलेस्ट वो 38 ही था। चलिए पहन के देखते हैं कि कितना लूज है और इसे कितना अल्टर करना पड़ेगा। गाइस सी, बेसिक ये 38 साइज है लेकिन ये 32 वालों के लिए ही है। स्लीव्स बेसिक लूज हैं बहुत ज्यादा, देख सकते हैं काफी ज्यादा अल्टर करने की जरूरत है स्लीव्स को, लेकिन यहां से फिटिंग बिल्कुल ओके। अगर आप इससे ज्यादा टाइट वियर करेंगे तो आपको सफोकेशन होने लगेगा, आप स्टक हो जाएंगे और फिर पहनने और उतारने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये जो 38 साइज है ना वो 34 एंड 32 वालों के लिए ही है, थोड़ा सा लूज है तो 34 वाले भी इसे आराम से पहन सकते हैं, और जो 32 या 34 से स्मॉलेस्ट साइज है वो तो 38 लेके अल्टर करवा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग फिट कर सकते हैं। लेकिन जिनका साइज 34 से ऊपर है, 36 38 वाले, वो 40 या 40 अल्टरेबल साइज को ट्राई करना, वो आपको फिट आएगा। लेकिन 40 वालों के लिए
नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा साइज 40 है, मैं इसे बाय कर लूं एक्सेल या डबल एक्सेल वाले, तो उनको ये नहीं आएगा, तो प्लीज आप बाय मत करना, क्योंकि फिर वो रिटर्न एंड एक्सचेंज करवाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। स्लीव्स को हमें थोड़ा सा अल्टर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ब्लाउज की, तो पैड की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पैड लोकल ही यूज कर रखे हैं जो कि थोड़े से हार्ड भी है। और ये है इसका बैक का डिजाइन, आप देख लो, बैक से लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो फिर से यही कहूंगी कि अकॉर्डिंग टू प्राइस मुझे ब्लाउज बहुत ही वर्थ इट लगा, बिकॉज मेरे लिए ऐसा है कि ना ही मैं अपने पैसे को किसी फालतू महंगे ब्रांड में खर्च करती हूँ और ना ही मुझे कोई चीज पॉकेट में चाहिए। जितना मैं पे कर रही हूँ, अगर मुझे उसके अकॉर्डिंग चीज मिलती है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, चाहे वो कितना भी सस्ता हो चीज, बिकॉज किसी की मेहनत का पे करना ना एकदम सही अमाउंट होता है। इसमें भी बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा, या जो भी ये डिजाइन है उसमें टाइम लगता है, तो इसलिए हमें ये प्रोडक्ट 600 के अंडर में मिल रहा है जो कि वर्थ इट है। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नाउ नेक्स्ट, ये लास्ट ब्लाउज है और ये भी ब्राइडल ही ब्लाउज है। आप लोग सोचोगे समर का बोल के इसने सारे ब्लाउज ज्यादातर ब्राइडल ही दिखा दिए, और 200 का बोल के इसने इतने महंगे ब्लाउज दिखा दिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं। तो फिर से मैं यही कहूंगी कि आपको वही प्रोडक्ट मिलता है जितना आप पे करते हो। 200 में आपको 200 वाला प्रोडक्ट मिलेगा और 600 में आपको 600 वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये है वो ब्राइडल ब्लाउज, इसके बैक में ना आपके लिए एक सरप्राइज है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नेक से। ये है इसकी स्लीव, स्लीव्स में आपको इस तरीके से बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी मोर का डिजाइन मिल जाएगा। कितना क्लियर वर्क है ना, आप देख सकते हैं। सिक्वेंस का भी यूज कर रखा है, रेशम थ्रेड है, इवन गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड का भी यूज कर रखा है जो कि बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं। हाफ स्लीव्स हैं, सिल्क ब्लेंड फैब्रिक है, और अंदर इन्होंने लाइनिंग को भी अटैच कर रखा है। सेम इसमें भी इन्होंने लाइनिंग को अटैच कर रखा है, सॉरी मैंने डिफाइन नहीं किया शायद दैट टाइम पे। और ये फ्रंट डिजाइन, फ्रंट के पूरे में ही इन्होंने इस तरीके से स्लीव्स के किनारे किनारे पे एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रखा है। अलग से ही इसका काम नजर आ रहा होगा आपको। एंड नेक के किनारे किनारे भी आपको बॉर्डर मिल जाएगा जो कि सिक्वेंस एंड थ्रेड का बॉर्डर है। प्रिंस कट में इसकी स्टिचिंग है, हुक डिटेलिंग आपको फ्रंट में ही मिल जाएगी, पैक भी अटैच है। एंड बॉर्डर में देखिए हेम लाइन पे इन्होंने इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर क्रिएट कर रखा है। और अब चलते हैं हम बैक में। बैक में आपको इस तरीके से ग्रूम एंड ब्राइड का डिजाइन मिलेगा, जो कि ये जो हैंग कर रहा था ये ब्राइड का लहंगा था ग्रीन कलर में, और उस लहंगे पे भी बहुत ही सुंदर इन्होंने सिक्विन का वर्क कर रखा है। ये एक तरीके से वो वाला फैब्रिक होता है ना, जो थोड़ा सा शाइनिंग एंड हार्ड वाला फैब्रिक होता है, वो इन्होंने यूज कर रखा है। और देखिए कितना क्लियर आपको डिजाइन मिलेगा, यहाँ पे आपको 3D इफेक्ट भी दिख रहा होगा, इन्होंने ऐसे ही सीक्वेंस का यूज कर रखा है। यहाँ पे नेट का यूज कर रखा है, हाई नेक में ब्लाउज मिलेगा, और यही किनारे किनारे वाला बॉर्डर यहाँ तक भी पूरा फिनिश हो रहा है। तो इस तरीके से कुछ इसका बैक लुक है जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, अगर आप इसे किसी भी लहंगे के साथ में पेयर करते हैं। वैसे तो ये ब्राइडल ब्लाउज है, बट ऐसा नहीं कि आप इसे लहंगे के साथ ही पहन सकती, नहीं, आप इसे साड़ी के साथ भी वियर कर सकती हैं, किसी भी हैवी साड़ी के साथ। और जो इन्हें कि न्यूली मैरिड ही वियर करे, कोई भी इसे पहन सकता है करवा चौथ या घर में फैमिली में कोई फंक्शन है या फेस्टिवल पे। बट इसमें आपको और भी कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, या रेड भी है, येलो भी है, व्हाइट भी है, टोटल 7 डिफरेंट कलर अवेलेबल हैं, तो आप जो चाहे वो चूज कर सकते हैं। आप ये वाइन कलर वाला भी चूज कर सकते हैं, इसमें पर्पल दिखाई दे रहा था बट ये वाइन कलर में रिसीव हुआ है, आप क्लियरली देख सकते हैं। एंड इसका प्राइस है 769 रुपीज। आई नो कि फिर से ज्यादा लग रहा है, बट यार काम देखिए, क्या आप इस ब्लाउज को इतने से कम प्राइस में सेल कर सकते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत लगी है। ये जो है ना, ये हैंडवर्क है, मैंने इंस्टा पे किसी को ऐसा ही वीडियो बनाते देखा था। तो अगर आप इस पे पूरी मेहनत कर रहे हैं तो एटलीस्ट 750 रुपए तो डिजर्व करते हैं ना। तो इसलिए इस ब्लाउज का जो प्राइस है वो ब्लाउज के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। और अगर बात करें साइज की, तो इसमें 3 साइज अवेलेबल हैं, 42 अल्ट्रेबल, 44 अल्ट्रेबल एंड 46 अल्ट्रेबल। मैंने बाय किया 42 अल्ट्रेबल, और पहन के देखते हैं कि कितना लूज है और कितना मुझे अल्टर करवाना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसके बैक लुक से। कितना सुंदर एंड प्रीटी डिजाइन है ना, एंड काफी ज्यादा आई कैचिंग है। आप इसे साड़ी के साथ साथ लहंगे या स्कर्ट के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। एंड ये है इसका फ्रंट लुक, जो कि बहुत ज्यादा लूज है, सच में बहुत ज्यादा लूज है। यहां से तो पूरा आप देख सकते हैं झोला ही लग रहा है, बट स्लीव ज्यादा लूज नहीं है, सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर ही अल्टर करने की जरूरत है, उसके बाद ये बिल्कुल फिट हो जाएंगी और साथ में कंफर्टेबल भी रहेंगी। लेकिन यहां से कितना लूज है, इसको दोनों तरफ से मुझे लगभग 1 या 1.5 सेंटीमीटर अल्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही फिट आएगा। इसकी वजह से बार बार ना यहाँ से हुक निकल रहा है, क्योंकि यहाँ से लूज है। जब यहाँ से फिट हो जाएगा तो हुक भी बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाएंगे। तो ये है इसका पूरा लुक, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। ब्लाउज की क्वालिटी एंड फैब्रिक सब कुछ बहुत अच्छा है, प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल वर्थ इट है, जी बिल्कुल है।
एंड ये था हमारा लास्ट ब्लाउज। आई होप कि ये हॉल आपको पसंद आया होगा। सॉरी समर का बोल के मैंने ब्राइडल एंड फेस्टिवल ब्लाउज भी इन्वॉल्व कर दिए, बट इसलिए ताकि आप बोर ना हो। एंड आई एम श्योर कि जो एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ब्राइडल वाले, ये आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो कौन सा अच्छा लगा सबसे मुझे कॉमेंट करके बताना। सबकी लिंक डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दिया है। साइज का ध्यान रखना कि जिस तरीके से मैंने आपको सारे साइज रिकमेंड किए ना वैसे ही बाय करना, अदरवाइज आपको फिट नहीं आएंगे। फिट क्या, वो आपके अंदर ही नहीं जा, आई मीन आप उन्हें पहन ही नहीं पाओगे तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। तो इसलिए साइज का पूरा सुन के ढंग से उसके बाद ही बाय करना। वीडियो अगर पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना ना जाना। चैनल सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज आगे आपके लिए कुछ ऐसे हॉल हैं जो कि मे बी सरप्राइज हो सकते हैं और आपको पसंद आएंगे, हेल्पफुल भी होंगे और उनसे आपका लुक एंड स्टाइल भी इनहेंस होने वाला है जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला। और ये वीडियो आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वैसे कर देना। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।